दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री जी से मेरा एक निवेदन है, एक सुझाव है, क्योंकि दोस्तों मैं एक देश का युवा हूं और मेरी सोच है कि देश के युवा का विकास हो, उसको रोजगार मिले। सबसे बड़ी समस्या है देश के प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्रियों को बेरोजगारी नीति तय करनी हो कि बेरोजगारी किस टाइप का है, किस प्रकार का है, क्योंकि स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, शिक्षित है या अशिक्षित है, उनका प्रकार जानना, यानी कि सरकार को उनके टाइप यानी कि बेरोजगारी नीति तय करनी होगी। रोजगार नीति और बेरोजगार नीति में दोनों अंतर। रोजगार नीति में तो रोजगार किस प्रकार दिया जाएगा और वो रोजगार के बारे में बताया जाता है, लेकिन बेरोजगारी नीति में कि बेरोजगारी के प्रकार क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को स्किल्ड प्राप्त होती है। लेकिन इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक निवेदन अपील करना चाहूंगा एक युवा होने के नाते, क्योंकि देश के युवा आज अवसाद में है, पीड़ित है, दुखी है, परेशान है। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद राजस्थान के बेरोजगार क्योंकि लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो कहेंगे कोई एलडीसी के लिए आएगा, कोई पटवारी पुलिस रीट तमाम भर्तियों के लिए कमेंट करेंगे, लेकिन मैं ये वीडियो देश के युवा बेरोजगारों के हित में बना रहा हूं। जो माननीय हमारे आरएस अधिकारी हैं छगन लाल जी बेनीवाल, इसके अलावा मेरी एक और आरएस अधिकारी से बात हुई, उन्होंने मुझे अच्छा सुझाव भी दिया। वो लगातार कह रहे हैं कि ये मीडिया में के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार मोदी जी तक और मुख्यमंत्री तक जाए जिससे एक राहत मिल सके। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, आज नहीं भविष्य में इसका फायदा होगा, क्योंकि बेरोजगारों की तादाद इतनी बढ़ती जा रही है कि कई बार हम सोचते हैं कि ऐसी स्थिति रही तो क्या होगा देश का, क्योंकि युवाओं का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ऐसे में आज युवा गलत रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर है, क्योंकि आज उनको समय पर रोजगार नहीं मिल पाता। देश का सिस्टम इतना बेकार है, प्रदेश की बात कर लीजिए, कि जो सरकारी जॉब निकाली जाती है उस समय पर उनको रोजगार नहीं मिल पाता। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि एक सामूहिक एक परिवार होता है, उसमें किसी परिवार में 5 भाई बहन होते हैं। ऐसे में मान लीजिए एक व्यक्ति का सरकारी जॉब में नंबर आ जाता है, लेकिन वो सही समय पे जॉब उनको नौकरी नहीं मिलने की वजह से पूरा परिवार बिखर जाता है। मेरा मानना है, मैं गांव से बिलोंग करने वाले किसान का बैठा हूं, मैंने देखा है कि एक परिवार में किसी का नंबर आ जाता है तो ऐसा लगता है कि वो परिवार समृद्ध और संबल उसको मिल जाता है और परिवार मजबूत हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग से कहीं ना कहीं परिवार मजबूत हो, लेकिन स्थिति तब बिगड़ जाती है, उस व्यक्ति को भी समय पर ज्वाइनिंग नहीं मिलती और पूरा परिवार बिगड़ जाता है और आर्थिक और मानसिक स्थिति से वो बिल्कुल दुर्बल हो जाते हैं। ऐसे में सरकार सिस्टम को सुधारे, जो भी सरकारी वैकेंसी निकाले कम से कम उनको समय पर पूरी करे, कैलेंडर जारी करे, कब एग्जाम होगा, कब परिणाम होगा, कब ज्वाइनिंग होगी। ऐसे में जो 5 सदस्य एक परिवार है, एक व्यक्ति के लगने से वो परिवार मजबूत होगा, कहीं ना कहीं और भी परिवार के सदस्य मजबूत होंगे और किसी को नहीं रोना पड़ेगा, नहीं परिवार की स्थिति बिगड़ेगी। लेकिन सिस्टम में सुधार हुई है तो सरकारी जॉब की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सरकारी जॉब देश में बहुत कम है, लेकिन बहुत कम से भी कई परिवारों का भला हो सकता है यदि सिस्टम में सुधार हो, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए कि इसमें लापरवाही बरती जाती है तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, जिससे सही समय पर सिस्टम नौकरियां बेरोजगारों को दे पाएगा, सिस्टम में सुधार होगा, जिससे कई परिवार मजबूत होंगे, हर बेरोजगार को सरकारी जॉब नहीं मिल सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो शिक्षित है, जो बीए कर रखे हैं, बीएड कर रखे हैं, एसटीसी कर रखे हैं, जो तमाम डिग्रियां डिप्लोमा हैं, चाहे अलग अलग विभाग है, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे नर्सिंग विभाग हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा, जो तमाम विभाग है, हर फील्ड में करोड़ों लोग देश के बेरोजगार है, लेकिन कई ऐसे भी बेरोजगार हैं जो 10वीं 12वीं पास करके, कई लोग 8वीं पास करके ऐसे भी हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको रोजगार नहीं मिल पाता। देश में जो लोग पढ़े लिखे हैं, बीए एमए जो तमाम डिग्रियां ले रखे हैं, आज वो भी बेरोजगार है, उनको भी समय पर रोजगार नहीं मिल पा रहा। अब सवाल यह उठता है कि इसकी समस्या का निस्तारण कैसा हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और
हमारे तमाम मुख्यमंत्री और विशेषकर राजस्थान के मुख्यमंत्री और युवा डिप्टी सीएम साहब से, क्योंकि कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाना होगा तो कहीं ना कहीं बेरोजगार नीति तय करनी होगी और बेरोजगार नीति तय करके उसका निस्तारण करना होगा। लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं देश के नेताओं के द्वारा, क्योंकि देश के नेताओं के परिवार के जो बच्चे हैं वो तो पहले नेता बन जाता है, एमएलए मंत्री बन जाता है, उनको आवश्यकता नहीं, उनके बच्चों की अपने बच्चों का तो भविष्य वैसे ही उज्जवल हो जाता है क्योंकि वो मंत्री होता है एमएलए होता है, तो अच्छी तरह उनके परिवार को दुख दर्द का पता नहीं होता है। लेकिन जो आम आदमी जो मतदाता है जो युवा है वो ग्रसित और दुखित होता है, वो हर सरकार के साथ इसलिए बड़ी आशा में लगता है कि ये सरकार आएगी तो मुझे रोजगार मिलेगा, मेरा परिवार मजबूत होगा। सरकारें आती हैं, वादे 2 करोड़ से लेकर 15 लाख तक किए जाते हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है और मैं मानता हूं इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना होगा और स्पष्ट करना होगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी घोषणा करती है उसको पूरा करे, अन्यथा उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ऐसे में कोई भी नेता फालतू की बेवजह की घोषणा नहीं करेगा, वो घोषणा करने से पहले वो 3 बार सोचेगा, वो प्लान बनाएगा कि मैं किस प्रकार रोजगार दे सकता हूं। लेकिन इसमें चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। यदि चुनाव आयोग संज्ञान लेता है, स्पष्ट नियम बना देता है कि झूठी घोषणा करता है उसको पूरा नहीं कर पाता, उसकी सदस्यता या उस पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाएगी, ये तय कर। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह है कि जैसे स्कूलों में प्राइवेट स्कूल में कुछ टीचर पढ़ाते हैं 4,000-5,000 और कई तमाम जगह हॉस्पिटल में नर्सिंग वाले, मैं अलग अलग डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, जाते हैं लोग यह पूछते हैं मुझे कई बार कि बेरोजगार सरकारी जॉब की तरफ क्यों भागते हैं। कारण यही है कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, शोषण होता है, 4,000 में लगाया जाता है, जब इच्छा उनको लाख मार के बाहर दिया जाता है, कोई सा डिपार्टमेंट हो। सरकार को नीति तय करनी चाहिए वहां भी कि फिक्स कर दिया जाए कि इसको स्कूल पढ़ाएंगे तो 10,000 रुपए मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल वाले सरकार को पैसे जमा कराएंगे, सरकार उनको सैलरी देगी, सरकार उनको सैलरी देगी और उसमें होगी कि उठाने का अधिकार संस्था का नहीं होगा। यदि उनकी जॉब सिक्योर होगी तो कहीं ना कहीं बेरोजगार सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब में भी जाएंगे, क्योंकि अब डर लगता है कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है तो वो सरकारी जॉब की ज्यादा तैयारी करते हैं। तो जॉब सिक्योर होनी चाहिए और सैलरी भी फिक्स होनी चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। सरकार को तय करना चाहिए कि स्कूल में पढ़ा रहा है तो 10,000 या हॉस्पिटल में सेवा दे रहा है तो 15,000-12,000 जो भी है, जिससे उसका परिवार का लालन पोषण हो सके और उनकी जॉब सिक्योर होनी चाहिए। ऐसे में लोग प्राइवेट क्षेत्र में भी जॉब हालांकि कर रहे हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए वो अभी भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर खतरा मंडराता रहता है और पूरा परिवार सपने में रहता है कब उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि शोषण होता है। लेकिन उस शोषण के बदले में उनको पूरा मानदेय उनका वेतन नहीं मिल पाता है। ऐसे में युवा अवसाद में है। दूसरी तरफ सरकारी नीतियां भर्तियां निकलती अटक जाती है, गलती अधिकारी करते बेरोजगारों से मिलती है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है, देश में ऐसे समृद्ध परिवार है, ऐसे पैसे वाले परिवार है, किसी को नौकर की आवश्यकता है, किसी को ड्राइवर की आवश्यकता है, किसी को कुक की आवश्यकता है, लेकिन उनमें एक डर है, भय है, जो रोज अखबारों में देखते हैं कि किसी नौकर ने मर्डर कर दिया, किसी ने चोरी कर ली, लूटपाट कर ली, ऐसे में वो लोग किसी अनजान व्यक्ति को रखने से कतराते हैं। लेकिन इसमें सरकारें माध्यम बन सकती है और एक बड़ा रोजगार उनको मुहैया करवा सकते हैं, उनको जॉब दिला सकते हैं जो लोग कम पढ़े लिखे हैं। मैंने 2 श्रेणी का जिक्र किया, एक पढ़े लिखे जो शिक्षित जो तैयारी कर रही है सरकारी जॉब कर, एक वो है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है जिनको कोई भी जॉब नहीं मिल पा रही। 2 प्रकार से बेरोजगारी है, पढ़ा लिखा तो कैसे प्रयास करके कैसे भी जॉब पा लेगा, सरकारी या प्राइवेट कैसे भी, लेकिन जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसको वो जॉब नहीं मिल पाती और वो कहीं ना कहीं अवसाद में जाता है, पूरा परिवार दुखी रहता है। लेकिन इसमें माननीय प्रधानमंत्री जो तमाम देश के जो राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों से मेरा निवेदन है और माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये जी बेरोजगार नीति तय की जाती है तो कहीं ना कहीं मैं जो सुझाव दे रहा हूं, जो बेनीवाल जी हैं छगन लाल बेनीवाल जी, तो उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया तो बहुत शानदार सुझाव है। मैं भी लगातार इसके स्टडी कर रहा था, मैंने इतवारे से बात हुई, वास्तव ऐसा होना चाहिए। सुझाव यह था कि सरकार को माध्यम बनना चाहिए, हर 5 किलोमीटर पे एक ऐसी ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए और ट्रेनिंग सेंटर में उन युवाओं को ट्रेनिंग दे जो कुछ कुकिंग कुक का काम जानते हैं, कुछ ड्राइवर का, कुछ नौकर का, जो भी हो, हर 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर एरिया में जिस व्यक्ति को ड्राइवर चाहिए, जिस व्यक्ति को
कुक का कार्य करने वाले चाहिए, जिसको नौकर चाहिए, साफ सफाई जो भी हो, वो यदि सरकार के माध्यम से जाता है तो किसी में डर नहीं होगा, वो आसानी से लेगा क्योंकि सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है, क्योंकि सरकार अच्छी तरह से उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके तफ्तीश करेगी, उसके बाद सरकार उनके घर में भेजेगी कि हाँ आपको कुक चाहिए तो ये जा रहा है। लेकिन सरकार माध्यम बने, जो उसको ले जाए वो पैसे सरकार को दे, सरकार उनको बैंक में डायरेक्ट पैसे जमा करता है। सरकार माध्यम बनते हैं तो ऐसे कई लोगों को, क्योंकि देश में कई लोगों को ड्राइवर्स की आवश्यकता है, कुक की आवश्यकता है, नौकर की आवश्यकता है, अलग अलग जो कई लोग केयर करने के लिए जो नर्सिंग वाले, कई लोगों को, कई वीआईपी फैमिली है, बहुत पैसे वाले, उनका आवश्यकता, लेकिन उनमें डर है कि लोग धोखा कर जाते हैं, मर्डर कर जाते हैं, लूट ले जाते हैं, तो ऐसे में लोग नहीं रखते। प्लेसमेंट एजेंसी भी है, उन पर भी विश्वास उनका उड़ चुका है। यदि सरकारें माध्यम बनती है, सरकारें जो एक उनका स्किल्ड के लिए उनका एक ट्रेनिंग सेंटर खोलती है हर 5 किलोमीटर या हर 10 किलोमीटर में, तो वहां से जिसको आवश्यकता होगी वो वहां से उनको ले जा सकते, और सरकार के माध्यम से वो उन लोगों को, एक तो उन बेरोजगारी भी कम घटेगी, कम होगी, और उन लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। हाँ, एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है कि जिन लोगों को रोजगार मिले वो ये कहते कि मेरे को इस तरह की एजेंसी सरकार ने नौकरी दी, संविदा पे लगाऊ, मुझे कह दे, तो वो सरकार उससे स्टाम्प पे ले कि मैं अस्थायी तौर पर लगा हुआ हूं, यदि मुझे जिस व्यक्ति ने नौकरी दिया घर में, चाहे ड्राइवर हो चाहे कुक हो जो भी हो, यदि वो मेरे से असंतुष्ट है वो मुझे कभी भी निकाल सकता है और मैं सरकारी जॉब के लिए दावा नहीं करूंगा, स्टाम्प पे लिखित में। ये चीजें हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार प्लेसमेंट एजेंसी किसी 10,000 की किसी जॉब पे लगती है, 2-3 हजार रुपए तो वो इसलिए ले लेते हैं जॉब लगाने के लिए, तो सरकार भी 200-400-500 रुपए ले सकती है इसमें अपनी फीस, जो सुविधा दे रही है सरकार की इनकम भी हो सकती है, और जो कम पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। बहुत लोग हैं जिनको नौकर चाहिए, कुक चाहिए, ड्राइवर चाहिए, और उनके केयर करने के लिए नर्सिंग करनी चाहिए, कई चीजें चाहिए, लेकिन सरकारें, मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को कहूंगा कि आप बेरोजगार नीति देकर ये स्पष्ट करिए, जो स्टडिंग सेंटर हर 10 किलोमीटर में बनाए या 5 किलोमीटर बनाए, जो भी आएगा वहां से आए मुझे ये चाहिए, तो सरकार उनको उपलब्ध करे, उनका डेटा रहे, और कहीं ना कहीं देश में बेरोजगारी कम हो सकती है। ये सुझाव बहुत अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले तो धन संख्या नियंत्रण कानून लाए और 2 बच्चों वाला नियम लागू करें, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, आज नहीं भविष्य में कई सालों बाद इसका लाभ देश को होगा, कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम हो, अभी तो नहीं होगी लेकिन 10 साल 20 साल 30 साल यानी कि देश को फायदा होगा। इसके अलावा जो बेरोजगारी नीति तय की जाए, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कम शिक्षित है, उन लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा जो सरकारी जॉब वाली मैं बात बता रहा हूं, जो 5 छुट्टियों में एक ही जॉब लग जाए तो पूरा परिवार समर्थ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको समय पर रोजगार मिले, जितनी सरकारी जॉब है समय पर मिले, कैलेंडर जारी कर दिया जाए कि हमारे पास इतना बजट है, इतनी वैकेंसियां है, इस महीने भी ये वैकेंसी आएगी, इसका परिणाम एग्जाम अब होगी, परिणाम होगा, स्पष्ट कर दिया जाए, सरकार अपना खाका पहले तैयार कर दे कि हमारे पास इतनी वैकेंसी, इतना बजट है, ये 5 साल में दे पाएंगे, लोग उसी प्रकार अपनी तैयारी करेंगे, इसी प्रकार प्राइवेट सरकारी जॉब के लिए तैयार आएंगे, तो ये तय करना चाहिए, और इसमें जिम्मेदारी तय की जाए उन अधिकारियों की जो लापरवाही करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि देखा जाता है कि लापरवाही की वजह से उनका कुछ नहीं बिगड़ जाता, कोर्ट में बढ़ के अटक दिए और बेरोजगार रोते रहते हैं, तो जिम्मेदारी अधिकारियों की तय की जाए, जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, और जो मैंने सुझाव दिया है ये शानदार सुझाव है, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, जो राज्य के मुख्यमंत्री उनको, और प्रधानमंत्री जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के अशोक गहलोत जी को, मैं यहां का युवा हूं, देश का युवा हूं, और देश हित में सोच रहा हूं मैं, अच्छा सुझाव, उसको लागू करना चाहिए। प्लेसमेंट एजेंसियां 3-4 हजार रुपए उनसे ले लेती है नौकरी लगाने, 10,000 की सैलरी में भी, आप 500 रुपए लीजिए, 100 रुपए लीजिए, 200 रुपए लीजिए, आपकी इनकम भी होगी, और जो जिनको कुक चाहिए, ड्राइवर चाहिए, जो भी चाहिए वो भी आसानी से ले जाएगी, सरकार के द्वारा वेरीफाई है, अच्छा व्यक्ति है, उनको भी अच्छा इंसान मिलेगा, बेरोजगार को रोजगार भी मिलेगा, और सरकार की इनकम होगी, और कहीं बेरोजगारी कम भी होगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के युवाओं से, देश के नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रधानमंत्री तक और सभी मुख्यमंत्री तक ये वीडियो जाए, कहीं ना कहीं इस पर वो पहल करे, कहीं ना कहीं इससे विचार करे, तो देश के युवाओं को रोजगार मिल सकता है, देश के युवा आगे बढ़ सकते हैं, और देश के युवा आगे बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। अन्यथा जिस प्रकार मैं लगातार हर मीडिया में बोल रहा हूं कि पहले देश को युवाओं का देश कहा जाता था, लेकिन अब बेरोजगारों को देश कहा जाता है,
और ये बेरोजगारी समस्या बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं देश का विकास नहीं, देश का पतन शुरू हो जाएगा। और देश का विकास तब होगा जब देश का युवा आगे बढ़ेगा। तो इसलिए देश को युवाओं को आगे बढ़ाना, एक युवा एक परिवार का प्रतिनिधित्व करता है और पूरा परिवार निर्भर होता है। ऐसे में मैं यही राजनेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि देश का विकास तभी होगा जब देश के युवा का विकास होगा, सोच समझ कर। इसके अलावा मैं एक और सुझाव और देना चाहूंगा। कहा जाता है कि हमारी आर्थिक मंदी है, देश की स्थिति खराब है, लेकिन यह भी सुना जाता है कि उस मंदिर से कितने करोड़ों की कमाई हुई, उस मस्जिद से, उस गुरुद्वारे से, लेकिन पैसा कहां जाता है? उसकी देखरेख में जो खर्चा होता है, उसके देखने वाले जो टीम होगा, उनके बाद भी करोड़ रुपए, महीने अरबों रुपए इनसे प्राप्त हो, वो पैसे सरकार के काम में लीजिए ना। आम महंगाई कम हो सकती है, युवाओं को रोजगार मिल सकते, उन पैसों का उपयोग यहां करिए, यहां उपयोग करिए, देश का विकास होगा, युवा का विकास होगा। इसके अलावा ये कहते हैं कि हमारे पास पिछली बार यह सुना कि युद्ध होता है कि हमारे सैनिकों के पास अच्छे हथियार नहीं है, उनकी देखरेख नहीं हो पाती, ये चीजें कई समस्या आती है। 125 करोड़ से ज्यादा हमारी जनसंख्या देश की और कई करोड़ों लोग, 30 से 40 करोड़ लोग प्राइवेट सरकारी जॉब करते हैं। यदि एक व्यक्ति से हमारी सेना के नाम पर, हमारी सेना के नाम पर 1 रुपए रोज का लिया जाए या 1 रुपए महीने का लिया जाए, डायरेक्ट सेना के अकाउंट में जाए, तो करोड़ों रुपए रोज के आ सकते हैं सरकार के, और उससे देश की सेना भी मजबूत हो सकती है और देश भी मजबूत हो सकता है। कोई भी देश के लिए मना नहीं करेगा, प्राइवेट जॉब करने वाला कोई भी मना नहीं करेगा कि मेरे 1 रुपए से क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा देश मजबूत हो रहा है, मेरी सेना मजबूत हो रही है, ये सरकार कर सकती है। लेकिन नेताओं को तो ये तय करना है कि मेरी सैलरी कैसे बढ़े, मैं नियम चेंज करके मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई भतीजावत को कैसे नौकरी लगाऊं, मैं कैसे चुनाव जीतूं, दंगा करूं, जातिवाद फैलाऊं, या मैं भारत पाकिस्तान के नाम पे, कभी क्या कभी क्या कभी क्षेत्रवाद के नाम पे, इनकी ये सोच है। सभी राजनेताओं को अपनी सोच बदलनी होगी और सोच बदलने में युवाओं का अहम योगदान होगा। देश के युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप भी किसी एमएलए मंत्री और नेता से कम नहीं हो, क्योंकि चुनते हम हैं। तो अपना एहसास करवाए कि हमारी ताकत बहुत बड़ी है, हम आपको सत्ता पे भी ला सकते हैं, लेकिन सत्ता से नीचे भी लाने की हम अपनी औकात रखते हैं। आप अपनी ताकत पहचाने, देश के युवा ताकत पहचाने और एहसास करवाए कि सिस्टम में सुधार हो और देश के युवाओं को रोजगार मिले, और रोजगार मिलेगा तो देश का विकास होगा। इसी में इच्छा है मेरी, मैं भी सपना देखता हूं कि कहीं ना कहीं ये वीडियो जो मैंने बनाया कि देश में, पूरे देश में फैल जाना चाहिए, मोदी जी तक और देश के तमाम जो प्रदेश है, राज्य के मुख्यमंत्री तक ये बात पूछनी चाहिए कि ये सुझाव लागू होते तमाम, तो कहीं ना कहीं देश का विकास होगा और हर युवा का सपना पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।